सुबह सेकंड। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट 4 में। और आज मैं फार्मिंग करूंगा और इन जानवरों को टेम करूंगा। तो फिर गाइस शुरू करते हैं। पास कहाँ? तो फिर गाइस देखो, ये मेरा घर है, मैंने छोटा सा बनाया था। अब सोच लेंगे ये मेरा घर है कि ये मेरा डॉग हाउस है, पर यही मेरा घर है, मैंने नीचे बनाया है अंडर वाटर हाउस। देखो ऊपर कुछ नहीं है, मैंने मीटिंग टेबल फिक्सिंग टेबल है जो भी है इन्हें बनाया, और यहाँ पूरा का पूरा बैरल से भर दिया। और नीचे है ये स्मोकर, ब्लास्ट फर्नेस एक्सेट्रा, इधर चेस्ट है, और यह है इधर है मेरा बेड। तो फिर गाइस जो भी मिलता है मैं इधर स्टोर कर देता हूँ। देखो ये ब्लॉक्स या कुछ और। देखो इधर भी खाना वगैरह इन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से लाया था। ठीक है, मैं पहले फार्मिंग करूँगा। चलो हमें पहले एक ओ बनाना है, ओई इन्हें बनाना भी मैं अभी दिखाता हूँ, उसके साथ बैरल भी। चलो मुझे पहले लकड़ियाँ चाहिए, किधर रखे थे भूल गया, शायद ऊपर होंगे इसमें, हाँ थोड़ा है। चलो इसमें जाना है, क्लेन का प्लैंक्स ऐसे रखो और फिर दो ऐसे हमें मिल जाएगा। हम इसे स्टोन या कुछ और भी बना सकते हैं, स्टोन आयरन जो भी है। तो फिर गाइस अगर हम यार अभी रात होना था, रात हो गया यार, चलकर सो जाते हैं यार। ऊपर चढ़ गया, नहीं 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 चलो चलकर सो जा यार, रात हुआ है ना। हाँ सो गया। अब चलो ऊपर चल, अब ऊपर चलकर फार्मिंग करते हैं। चलो हमें पहले इधर पानी से भर देना है, मैंने नीचे वो कबल स्टोन के स्लैब्स लगाया है। अब चलो ऐसे इन डॉट के ऊपर दबाओ, डॉट या ग्रास ब्लॉक, और अगर हमारे पास सीड है तो सीड लगाओ, या फिर पोटैटो या कैरेट है, या फिर बीट रूट के सीड है तो वो लगाओ। मेरे पास एक कैरेट है, मुझे एक कैरेट इन जॉम्बिस को मार कर मिला था। चलो खाना खा लेता हूँ, और शायद मेरे पास बोन भी रखे होंगे इधर। हाँ तीन है, ये धीरे से बढ़ेंगे वो क्रॉप्स। चलो मैं अब इन पर ये डाल लेता हूँ ताकि जल्दी बड़े हो जाए। इस पर भी देखो ऐसे बड़े होते हैं ये। देखो ऐसे मिलते हैं, अगर हमने इसे तोड़ा तो हमें एक वीट भी मिलेगा और ये सीड्स भी। चलो इन्हें लगाते चलते हैं, और इसे तोड़ेंगे तो हमें कैरेट मिलेगा। चलो अभी के लिए मैं इन्हें लगा देता हूँ। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। और देखो मैंने पहले उधर बनाया था ना वो घर, अब मैं यहाँ पर सिर्फ माइनिंग करने के लिए जाऊंगा यार। पिक गया, चलो इसे मार देते हैं। और मैं उन्हें भी बनाना बताऊंगा, जो स्मिथिंग टेबल फेचिंग टेबल वो है, और ये हमारा बोट है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं चलता। और मैंने यहाँ पर सारे के सारे वो ग्लास लगा दी है ताकि अच्छे लगे।
देखो एक कार्टोग्राफी टेबल है। अब हमें ये पेपर लगाना है। पेपर हमें शुगर केन से मिलता है यहाँ पर थे, पर मैंने उन्हें उगाया नहीं, डायरेक्ट पेपर बना दिया। क्या और है कि देखो उधर है शुगर केन। चलो उन्हें तोड़ कर लाते हैं। चार मिले हैं। चलो मैं इन्हें इधर लगा देता हूँ। चलो एक लगाते हैं। देखो अगर हम 3 शुगर के नीचे रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा पेपर। ये बहुत आसान है, सिंपल है। पर अगर हमने एक रखा तो हमें शुगर मिल जाएगा और अभी उसका कोई यूज़ नहीं। चलो और है, ये है कार्टोग्राफी टेबल। ये फ्लिंट से बनेगा। अगर हम ग्रेवल को तोड़ते हैं तो कभी कभी फ्लिंट मिल जाता है, और ये इसके लिए आयरन है, माइनिंग करने पर मिलता है। और बैरल बनाना भी बहुत ईजी है। क्या मेरे पास स्टिक है? चलो हम स्लैश बना लेते हैं और हमें ऐसे रख। यार कमी पड़ गए। चलो ऐसे रख के पहले, और ऊपर से ऊपर ऊपर एक स्लैब और नीचे एक स्लैब, हमें ये बैरल मिल जाएगा। बहुत आसान है। इसके अंदर भी खाना है। चलो इसे भी पका देता हूँ। क्या इसके अंदर है? हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो पकते रहेंगे। चलो ऊपर चलकर देखते हैं वो ग्रो हुए कि नहीं। थोड़े थोड़े हुए हैं। चलो मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूँ यार। चलो मैंने उन्हें तोड़ कर ऐसे लगा दिया, मुझे बहुत सारे मिले। चलो इन्हें भी तोड़ते हैं। 4 सीड मिले हैं, रुको लगा देता हूँ और उन्हें भी खिलाऊंगा। अब बार के मिले हैं यार, खाना मत, उन्हें लगाना है खाना। हम ये फिश खा लेंगे। चलो इतना काफ़ी है। चलो पहले उन्हें जाकर हम इन पिक्स को पोटैटो या ये खिला सकते हैं। चलो इसे एक फिर करो और उसे एक, तो ये अभी एक छोटा सा बच्चा आएगा। देखो आ गया। वैसे अगर हमें इनसे जो एग मिलता है, इनसे भी कभी कभी निकलता है ये। देखो ऐसे चिकन का बच्चा, और हमेशा नहीं निकलता। देखो अब मैं इन्हें ये फिट करूँगा, बड़े वाले को ये एक और ये एक। देखो अब एक और बच्चा आएगा। वैसे ही अगर हम शिप्स को करेंगे तो एक, माफ़ करना गलती से यार, इसे एक और इसे एक। देखो एक बच्चा आएगा अभी, देखो ब्लैक कलर का आ गया। और इधर मैं काऊ पालूंगा। ठीक है, ऐसे करते हैं टेमिंग और ये ऐसे ही बढ़ सकते हैं। चलो अगर ये बड़े हो गए तो मैं इन्हें मार दूंगा, और ये इनसे जो भी मिलता है वो ले लूँगा। ठीक है गाइस, तो फिर आज इतना ही, और कुछ नहीं है आज के लिए, और कल जो होगा देख लेंगे। और मुझे खॉर्स भी पकड़ना है। मुझे एक शेडल मिला था जब मैं फिशिंग कर रहा था। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली गेमिंग एपिसोड में।